पहले ही वकार पे एतबार नहीं था, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं सोच सकती थी कि वो इस कदर गिर जाएगा। बूढ़ी बाजी, आप जाइए ना खाला से बात करें, उन्हें बताएं कि एमन किस अजाब से गुजर रही थी। मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन तुम थके हारे आए हो, कुछ खा लो। नहीं नहीं बूढ़ी बाजी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आप प्लीज एमन के पास जाओ, वो अपने में होते हुए बिल्कुल तन्हा हो। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं अली, एक बात पूछूं, क्या तुम आज भी एमन से उतनी मोहब्बत करते हो जितना उसकी शादी से पहले करते थे? मोहब्बत तो एक ठहर जाने वाला मौसम होता है, कभी कभी मिल जाए तो सदाबहार, और अगर ना मिले तो ना मिले तो फिजा। सुरैया! जी जी, तुमने इसे बताया नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया इसने? इसे कहो मेरे सामने ना आया करे, सूरत नहीं देखना चाहता मैं इसकी। सुन लिया तुमने अबू ने क्या कहा? कमरे में जाओ और कमरे से निकलना मत। जाओ जाओ। हालत देखी आपने इसकी, सदियों की मरीजा लगने लगी। ममता जाग रही है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता सोती कब है? फसाहत, बेशक उसने गलती की, लेकिन मां का दिल तो उसे सीने से लगाने को तड़प रहा है ना। इसने माँ बाप की मोहब्बत का ख्याल रखा, सारी जिंदगी अपनी बेटियों को कांटा नहीं लगने दिया मैंने, और इसने मेरे सीने में नेजा उतार दिया।